तो हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम अपनी नई वीडियो की तरफ आ गए हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस चैप्टर में हम लोग अब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में समझेंगे। क्या होते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और क्या होते हैं एक्युमुलेटेड लॉस। चलिए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स के और एक्युमुलेटेड लॉसेस के। पहली बात, लॉसेस का नेचर डेबिट होता है, लॉसेस का नेचर डेबिट होता है, और प्रॉफिट्स का नेचर क्रेडिट होता है, प्रॉफिट्स का नेचर क्रेडिट होता है। एक्युमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्युमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करके रख लेना, टोटल एक्युमुलेशन इकट्ठा करके रख लेना। तो लॉसेस को अगर आप इकट्ठा करके रख लें, मतलब साल दर साल अगर कभी आपको नुकसान होते हैं और वो नुकसान इतने बड़े हैं कि उनकी भरपाई एक साथ नहीं हो सकती, तो हम एक्युमुलेटेड लॉसेस नाम से उन्हें ट्रीट करते हैं। ये फिक्टिशियस एसेट्स के तौर पे शो होते हैं क्योंकि लॉसेस का नेचर डेबिट है, और अगर लॉसेस को हमने बिजनेस में अभी दिखाना है तो हम उन्हें एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे नीचे फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से दिखाते हैं। तो एक्युमुलेटेड लॉसेस का मतलब है इकट्ठे हुए हुए नुकसान। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एक एक्युमुलेटेड लॉस है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक लॉस है। फिक्टिशियस एसेट्स कहलाता है ये। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसका एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऐसे ही एक्युमुलेटेड लॉसेस का एक एग्जांपल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो फर्म को बनाने के लिए, फर्म को बनाने से पहले जो हुए हैं उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। अब दूसरी बात की प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अगर आप प्रॉफिट्स को साल दर साल इकट्ठा करके रख लें, व्हाट एवर मे बी द रीजन, किसी मर्जी पर्पस के लिए आप उसे रखें, उनको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कहा जाता है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व, जनरली किसी भी बात के लिए आपने रिजर्व बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कर्स को चोट लग जाए तो उनको पैसे देने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम पैसा जोड़ते हैं, उसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने मार्केट में कर रखी हैं, हमें लगता है उनकी वैल्यू में कुछ कमी आ सकती है, तो उस नुकसान को हमें दिक्कत ना हो झेलने में, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट में डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन होने की वजह से अगर आपको दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए पहले ही पैसा जोड़ लीजिए, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। तो एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, पर आपके सिलेबस में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आइटम्स की जरूरत है। तो ये तो हो गए इकट्ठे हुए हुए प्रॉफिट्स और इकट्ठे हुए हुए लॉस। अब समझने वाली बात यह है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो होता यह है कि पुराना रेशो खत्म हो गया, एक नया रेशो आ जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो फिर ये बात होती है कि इन प्रॉफिट्स का क्या करें या इन लॉसेस का क्या करें। जनरल रूल ये कहता है, आमतौर पे लोग ये करते हैं कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं वो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट दिए जाएंगे, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में। All the reserves and accumulated profits and losses must be distributed between old partners in old ratio. ये आपका केस वन है। When the partners decide to change the book value by passing necessary journal entries. कहने का मतलब है यहाँ पे हम सारे reserves को बांट देंगे और उनके लिए हम लोग journal entries कर देंगे। जितने भी expenses हैं accumulated उनको भी बांट देंगे और उनकी भी journal entry कर देंगे। पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम बुक्स में चेंजेस नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं जैसी बुक्स प्रिपेयर्ड हैं, जितना रिजर्व्स जहां रखा हुआ वो वहीं रखा रहे, पर रेशो की वजह से कुछ चेंज आया है। चेंज को तो एक्सेप्ट करना चाहते हैं पर बुक्स में चेंज नहीं करना चाहते आइटम्स की वैल्यू को। तो अगर आप आइटम्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तो सेकेंड केस बनता है, दे डिसाइड नॉट टू चेंज द बुक वैल्यू बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। उस केस में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से समझते हैं। ये दो पॉसिबल तरीके हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किसान एकता एंड अमर Our partners sharing profits and losses in the ratio
इक्वली, इनका रेशियो है इक्वल. फर्दर दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:5. उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किसान एकता और अमर, इन तीन पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अब ये न्यू रखने वाले हैं वो है 3:2:5. ओके, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब ये होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व वर 1,50,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज 30,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वॉज 90,000. सॉल्व व्हेन, हमारे पास दो प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड, एक लॉस है एक्यूमुलेटेड. तो दो प्रॉफिट और एक लॉस, करना क्या है? क्वेश्चन देखिए सेम है. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एग्जाम में आपको ये भी आ सकती है और एग्जाम में आपको ये भी आ सकती है. दो दो क्वेश्चन से समझाने से बढ़िया एक ही क्वेश्चन से समझा जाए, क्योंकि क्वेश्चन सेम होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना होता है. आपको इन दो के अलावा और किसी तरीके से एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा. पहला, दे डिसाइडेड टू चेंज द बुक वैल्यू बाय पासिंग नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और आगे कुछ ना लिखा हो और सिंपल लिखा हो डू द एडजस्टमेंट या पास जर्नल एंट्रीज, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये काम करना है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं. आपको इसमें रेशियो सिर्फ कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि ओल्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ जाता है. मैंने आपको समझाना है कि प्रॉफिट्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो अगर मैं प्रॉफिट्स को बांटने जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट की जगह उसे डेबिट करना पड़ेगा. मतलब अगर प्रॉफिट्स हैं तो उन्हें पलटने के लिए क्रेडिट की जगह उन्हें डेबिट करना पड़ेगा. इसी तरीके से अगर आपके पास लॉसेस हैं तो लॉसेस को बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉसेस डेबिट नेचर के हैं तो उनको बांटने के लिए आपको उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा. ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन को समझते हैं. अब यहां पे करना क्या है, यहां पे दो प्रॉफिट्स हैं. सबसे पहला है जनरल रिजर्व 1,50,000 का. तो जनरल रिजर्व का नेचर क्रेडिट है, हम क्या कर देंगे जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे. हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. दूसरी चीज देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन को अगर चोट लग गई तो हमारे पास कुछ पैसा जुड़ा होता है जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, ये हमारे पास कितना है 30,000. तो हमारे पास टोटल मिला के 1,80,000 रुपीज के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं. पार्टनर्स तीन हैं और तीनों में बढ़ जाएंगे, किसान एकता और अमर. अगर कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है जो नॉर्मल केसेस में होती है तो यहां कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, नहीं तो यहां पे करंट अकाउंट लिखा जाएगा अगर कैपिटल फिक्स्ड है. अब देखिए 1,80,000 है, 1,80,000 को इक्वल रेशियो में बांट दीजिए तो कितना आ गया 60,000 रुपीज एंड 60,000 बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, Now the next one is advertisement suspense account. This is an accumulated loss, and when we distribute loss, we have to credit them. So in this case, two advertisement suspense account 90,000 rupees. So this will be bear by partners Kisan, Ekta एंड अमर. इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नाउ देयर रेशियो इज 1:1:1, देयरफॉर 30,000 रुपीज
30,000 rupees and 30,000 rupees being accumulated losses distributed. आपका जो मन करे वो लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सो दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आर आस्क्ड. नाउ लेट अस मूव टू केस टू व्हेन दे डिसाइडेड नॉट टू चेंज द बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. ओके, नाउ इन दिस केस व्हेन यू हैव टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यू फर्स्ट हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो. नाउ sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. Let us calculate किसान एकता and अमर्स ratio. Old one is 1, 1 and 1, total is 3. Minus new ratio is 3, 2 and 5. 3, 2, 5 equals to 10. So total is 30. LCM is 30. 3 tens minus 3, 3 are 9. So 1 by 30. 3 tens minus 10, 3 are 3 to the 6, 4 by 30. Sacrificing ratio, positive answer means sacrifice. Here, 3 tens are minus 10, 3 are 5, 3 are 15. Here, the answer is negative. So, this is the gaining ratio. And you all know that the gaining partner shall pay to the sacrificing partners. Now, in this case, we have to find the net effect. Now, how we will find the net effect? Now, what will be the net effect in this case? We have general reserve of rupees 1,50,000 rupees. We have workmen compensation reserve of 30,000 rupees. And we have advertisement suspense account of 90,000 rupees, which is of debit nature. Okay, so the net effect will be credit, debit. So the net effect is credit because the credit side is more. 1,50,000 plus 30,000 is 1,80,000 minus 90,000 equals to net effect of 90,000 rupees. So the net effect is 90,000 rupees. Now you just have to multiply this 90,000 rupees of net effect with the sacrificing and gaining ratios and you will get your answer. So in each and every case you have to divide by 30. So let us divide 90,000 with 30. It comes to 3,000 rupees. Now 3,000 into 1 comes 3,000. 3,000 into 4 comes 12,000. 3,000 into 5 comes 15,000. So the gaining partner will pay to the sacrificing partner. So in this case, Amar is gaining. So Amar capital account debit 15,000 rupees to Kisan's capital account 3,000 rupees and to Ekta's capital account 12,000 rupees. So the adjustment entry is Amar's capital debit to Kisan's capital to Ekta's capital. So this is how you can do one question by two methods, whatever is asked in the question paper. So that's it for today. Thank you for joining my class.